वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल प्लस एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगी एक मेंस का फेयर एंड हैंडसम क्रीम, जो कि मैं ऑनलाइन ही ली हूं क्योंकि मैं 5 दुकान घूम चुकी हूं। मेरे लोकल मार्केट में मुझे नहीं मिला था, तो इसीलिए मैं सोची ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं। ये 60 ग्राम का है और ये 112 रुपीज़ का आया है। फेयर एंड हैंडसम इमामी का है, तो इसका प्राइस जो है वो 140 लिखा है। मुझे 112 रुपीज़ में मिला है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ गेन। तो अब इसको यूज़ करेंगे, मैं अपने फ्रेंड को ये गिफ्ट करूँगी। पता नहीं इसका रिजल्ट कैसा है, पर इट्स नोन फॉर इंक्रीजिंग फेयरनेस एंड ब्रिंगिंग ग्लो टू द स्किन। तो फर्स्ट टाइम ये कुछ मैं मेंस का प्रोडक्ट मैंने अनबॉक्सिंग करना दिखा रही हूँ। इससे पहले जो भी आया है, एक लैक्मे लूमिया क्रीम का आया है, देखिएगा आप लोग। और ये मेन फेयर एंड हैंडसम है, तो काफ़ी अच्छा कंडीशन में ही आया है। ये लोग पार्सल जो किए थे वो तो बहुत ही प्लेन था। देखिए इसमें प्राइस मेंशन है, 112 रुपीज़। तो लेकिन ये अच्छा कंडीशन में ही आया है, तो इसमें और इस ज़्यादा कुछ कहने का है नहीं। जो लोग यूज़ करते हैं वो लोग जानते हैं इसका, मुझे इतना पता नहीं है। मैं इसका यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि कैसा है ये, जब मैं अपना फ्रेंड को गिफ्ट करूँगी। तो फिर इसमें तो 7 डेज़ प्रॉमिस एक दिया है कि 7 दिन में आप अपने स्किन में कुछ कुछ चेंजेस देखेंगे। विजिबल रेडियंस, ऑयल कंट्रोल कर ऑयल स्किन का ऑयल कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगा। विजिबली जो रेडियंस वो बढ़ेगा। सन प्रोटेक्शन, मतलब इसमें आपका यूवी रेस से एसपीएफ फॉर्मूला भी है। फिर यूथफुल लुक, तो देखते हैं ये सब होता है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, असल बॉयज़ लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं अपने स्किन को, लेकिन स्किन का सन से प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सन और जो वेदर, एक्सटर्नल वेदर जो कंडीशंस है, नॉट फॉर ब्यूटी जब, लेकिन अपने इन्वायरमेंट से बचाने के लिए। अभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये नहीं करेंगे तो स्किन में एक डल लुक आ जाएगा, बहुत ज़्यादा एजिंग हो जाएगा स्किन का। तो ये सब चीज़ फॉलो करनी ही चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को बेसिक जो है वो एक फेस वॉश और एक क्रीम, मतलब अकॉर्डिंग टू द सीजन्स वो यूज़ करना चाहिए। जैसे समर सीजन में कुछ जेल यूज़ किए, फिर विंटर आया तो कुछ एक कोल्ड क्रीम टाइप, तो हेवी बेस्ड फॉर्मूला, कुछ ऑयल बेस्ड एक चीज कुछ यूज़ किया अकॉर्डिंग टू द स्किन। ये एटलीस्ट आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इधर ही ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस टाइप का और भी अनबॉक्सिंग देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। सिर्फ अनबॉक्सिंग ही नहीं, कुछ हेल्दी रेसिपीज़ भी आता रहता है मेरे चैनल में। जो प्रोडक्ट मैं सपोज़ ऑनलाइन मंगवाई हूँ उसका क्या क्या हम कैसे कैसे उसका हेल्दी रेसिपी बना सकते हैं, वो सब भी मेरे चैनल पर आता है। फिर आज के लिए इधर ही, थैंक यू, बाय बाय।